कई बार हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर वन होता है. नॉर्मली मैक्सिमम लोगों की डेट ऑफ बर्थ में होगा नंबर वन. जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उस अकॉर्डिंग एनर्जी हमें मिलती है. बट अगर वो नंबर वन एक्टिव करो ही ना, तो अगर मान लो किसी का ड्राइवर नंबर वन है, ड्राइवर वन होता है राजा की तरह, अगर आपने नंबर वन को एक्टिव किया ही नहीं तो राजा की तरह वो सम्मान कहाँ से पाएंगे. क्योंकि एक राजा के पास वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी शक्तियाँ होती हैं जो वो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है. यानी कि जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं, टॉप पर्सनालिटीज़ हैं, उनके पास नंबर वन है. ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं, इट मीन्स ये है कि आपने नंबर वन को एक्टिव किया ही नहीं है. तो अपनी उन एक्टिव नंबर्स को पहचाने. सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, और अगर जो है उसमें बताया जाएगा कि अगर बृहस्पति की भी ब्लेसिंग नहीं मिल रही तो कैसे जल देना है, मार्स की नहीं मिल रही तो कैसे जल देना है. बट सूर्य को जल देना है जिससे जो है हमें वो सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग्स मिले, राजा की ब्लेसिंग्स मिले. ठीक है, और जल को देना कैसे है, तांबे के लोटे में आपने जो है अपनी फोरहेड से भी ऊपर हाथ करके अंजलि भर के, या फिर लोटे को पकड़कर जो है हमने जल जो है अर्घ्य सूर्य को देना है. इससे होगा क्या, जो रेज है, अच्छा जो अर्घ्य देना है वो देना है जब सूर्य उगता है उसके विद इन 2 आवर्स. ठीक है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे, तब तक आप जो है जल जरूर अर्पित करें और उसकी मैक्सिमम ब्लेसिंग्स लें. और उससे क्या होगा, जो रेज है वो जल से आपके जो है अंदर समाहित होगी. और अगर नहीं भी आप जो है इतनी देर तक नहीं कर सकते, आप रोज जल अर्प नहीं दे सकते सूर्य को, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बंद रहा हूँ. ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट उठते हैं, तो जैसे ही उठते हैं अपने ऊपर जो है थोड़ा सा जल छिड़कें और जल रखें और अर्पित करें. ठीक है, यानी कि हम ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं. ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हम कैसे हैं, ठीक वैसे ही हमारी सुप्रीम पावर्स को पता होता है हम कैसे हैं. हमें डिसिप्लिन में लाना उनका काम है, हमें सीधे रास्ते पे चलाना उनका काम है, बट चलना तो हमें ही पड़ेगा ना. तो यानी कि अगर थोड़ा सा हम कोशिश करें तो हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं. तो जैसे हम इस तरीके से जल अर्पित करते हैं तो उससे जो है रेज भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, प्लस थोड़ी देर मैं कहती हूँ कि सूर्य की ऊर्जा में रहें ताकि वो ऊर्जा भी हमारे अंदर आए, हम ग्रैटिट्यूड शो करें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी पावर को बढ़ाने का काम करती है, एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है. कोई कहता है ना कि यश में कमी हो रही है, तो वो हमारा तेज, हमारा ओरा, ओरा को शुद्ध करने का काम जो है वहाँ पे होता है. ठीक है, एनर्जी से, रेज से भी ओरा को क्लींस किया जा सकता है. डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं तो वो ओरा ना सिर्फ क्लींस होता है बल्कि उसकी पावर बढ़ जाती है. करके देखें, 21 डेज में ही आपको बेनिफिट्स दिखाई देने लगेंगे. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.